तो हेलो दोस्तों, आज का ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग वीडियो है और इस ब्लॉग वीडियो में मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ अपने अंकल जी के बरात में। और यहाँ से हम टोटल वीडियो देखिए, ये अंकल जी का रथ है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंधेरे में पूरी लाइटें इसकी जल रही हैं, इसलिए ये और ही सुंदर। देखिए वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और वो मेरे गाँव का एक छोटा भाई है हमारा, जिसको हम लोग मजाक में चाइनीज भी कहते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ अंदर अंकल जी के पास, और ये पीछे पीछे मेरे कैमरा मैन भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है और वो दिखाएगा आप लोगों को। अभी अंकल जी हमारे निकलेंगे पूरे रेडी होके, और उनका लुक देखिए आज कैसे दिख रहे हैं, और कमेंट में बताइए कि उनका लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को। देखिए अब निकल गए हमारे अंकल जी, और देखिए उनके चेहरे पर अभी तो मुस्कान नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं। अब जैसे ही हम लोग बाहर निकले वैसे ही हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, इन्होंने रोक लिया और देखिए इन्होंने डांस स्टार्ट किया और अंकल जी को भी नचा रहे हैं। कैसे खुशी का माहौल है चारों तरफ, है ना, सब कोई खुशियाँ मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चूँकि यहाँ गाँव पर इनकी शादी पहली बार हो रही है इनके घर के लोगों में से इनकी, क्योंकि ये सारे लोग बाहर ही रहते हैं बनारस में, और यहाँ पे इनकी पहली शादी है गांव की, इसलिए सब लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। और बगल में देखिए ये हमारी दोनों फुआ हैं, एक छोटी और ये हमारे बगल में जो खड़ी है वो हमारी बड़ी फुआ है। और हमने सोचा कि बहुत दिनों के बाद इनसे भेंट हुआ है तो इनसे इनका भी एक वीडियो बना ले, है ना। अब यहाँ पे दूल्हे राजा का देखिए गाड़ी सज चुका है पूरे बढ़िया से, दूल्हे राजा गाड़ी में बैठ चुके हैं और बारात यहाँ से निकलेगी, और आगे देखते हैं, है ना, कि बारात हम लोग आगे रुकेगा, आगे जब परछावन करना होगा तो वहाँ पे हम लोग परछावन करके तब बारात लेके पहुँचेंगे सीधे लड़की के घर पे, और उसके बाद मिलते हैं हम लोग वहाँ पे। उससे पहले बारात की सजावट को देखिए, बारात कैसे सजाया गया है और कैसे निकल रहा है। अब देखिए बारात प्रस्थान करने के लिए पहुंच चुकी है और हम लोग पहले से ही वहाँ पे बैठे हुए हैं, बारात का वेट कर रहे हैं, और वहाँ पर प्रस्थान होगा और बारात वहाँ से निकलेगी। देखिए बारात पहुंच गई और दूल्हे राजा के साथ हमने सबसे पहले वहाँ पहुंचने के बाद एक फ़ोटो लिया, है ना,
और उसके बाद चलते हैं हम नाश्ता करते हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोग रेडी हो चुके हैं लड़की के द्वार पे पहुँचने के लिए, है ना। और सारे यहाँ पे जो भी हैं और लाइट वाले सभी लोग लाइन में खड़े चुके हैं और हम लोग आगे आगे हम लड़की के द्वार पे पहुँच रहे हैं। फाइनली हम लोग लड़की के द्वार पे पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं बैठने के लिए, है ना। सारे बच्चे घूम रहे हैं, सारे लोग खड़े हुए हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए हम भी जा रहे हैं, आराम से बैठेंगे, नाश्ता करेंगे। उसके बाद ये देखिए इसी में जयमाल होगा, जो ये गुलाब के फूल जैसा बना हुआ है। वहाँ पर जो स्टेज है, स्टेज भी देखिए बहुत ही बेहतरीन सजाया गया है। वहाँ पर देखिए हमारे पिताजी भी बैठे हुए हैं, बगल में उनके पंडित जी हैं जो शादी कराएंगे। और यहाँ पे ये देखिए ये हो गया जयमाल दूल्हे राजा दुल्हन जी को। देखिए यहाँ पे माला पहना दी है पूरे की, दुल्हन जी ने प्रणाम किया अपने दूल्हे राजा को। अनजाने अजनबी चल बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन। मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। और देखिए इस चाइनीज का ध्यान ऑर्केस्ट्रा पे, कैसे आंख एकदम गड़ा के मुंह बाके ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं ना।
छोटा सा यहाँ पे ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन लगा हमको। इसका भी एक मिनट का क्लिप हम इस वीडियो में डाल दे रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं पुनः देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रोग्राम खत्म होते हुए गाड़ी पर बैठे और हम लोग अपने घर पहुंच गए। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके।